बिलासपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिससे संबद्ध तीन महाविद्यालयों को यूजीसी की नैक टीम ने ए ग्रेड का दर्जा दिया है। पहले बिलासा कन्या महाविद्यालय, उसके बाद सीएमडी कॉलेज को ए ग्रेड दिया गया था और अब शासकीय ई राघवेंद्र राव साइंस महाविद्यालय भी ए ग्रेड की लिस्ट में शामिल हो गया है। यूजीसी से ए ग्रेड का दर्जा मिलने की सूचना मिलते ही महाविद्यालय में खुशी का माहौल बन गया। प्राचार्य सहित प्राध्यापकों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशियां मनाई। नहीं, ए ग्रेड मिलना हमारे महाविद्यालय के लिए और बिलासपुर के लिए तो गौरव की बात है। अब बिलासपुर में ए ग्रेड प्राप्त जो है ना तीन महाविद्यालय हो गए हैं। ये हमारे सारे जो प्राध्यापक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी एलुमनी है और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सब के प्रयास का फल है। ए ग्रेड कॉलेजों के लिए विशेष योजनाएँ हैं यूजीसी की। वो जो सीपी हमारा, हम लोग सोच रहे थे कि वो आगे जा करके उसका क्या होगा, वो कॉलेज विथ पोटेंशियल ऑफ और एक्सीलेंस करके वो ए ग्रेड होने के कारण दोबारा हमको प्राप्त होने में सुविधा होगी। यूजीसी की नैक टीम ने पिछले माह तीन दिनों तक साइंस कॉलेज के संसाधन और व्यवस्था का ओवरऑल निरीक्षण किया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद ने कॉलेज को 3.02 अंक दिए हैं। ए ग्रेड मिलने के लिए 3.0 से आगे मिलना चाहिए। 3.02 जो है ना हम लोगों को मिला है ए ग्रेड के लिए। और हमारा सारा जो शिक्षक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो सारे जो हैं आज उल्लसित हैं। खुशी है उनको कि उनके मेहनत का फल उन्हें मिला है। बहुत मेहनत की उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए, पूरे कॉलेज के लिए, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। उन सब कर प्रयासों का फल है। साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाने वाला शासकीय ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा मिलने के साथ एक नई पहचान मिल गई है। बी प्लस ग्रेड से आगे बढ़ते हुए साइंस कॉलेज अब ए ग्रेड के महाविद्यालयों में शामिल हो गया है। कॉलेज के प्राचार्य ने सभी के सहयोग से यह कामयाबी मिलने की बात कही है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ सरफराज अली, सिटी न्यूज, बिलासपुर।